ओ खान साहब, तेरे लेते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जीते तेरी आई आप मर लांगे। ओ खान मेरे कप्तान, मेरे पीछे हटना नहीं डट जाना है, इन चोरों और लुटेरों से तूने मुल्क आजाद कराना है। इंग्लैंड में बैठे हैं वीर बहादुर साहब, मियां साहब के लिए भी कुछ गा दें। यार आप मुझे हर इंटरव्यू में उनका कहते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बख्तार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मैं इस वक्त इमरान खान साहब के घर के बाहर जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बरीना नदीम। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है बरीना। ख़ास तौर पर जब भी किसी PTI हलके में जाती हैं तो लोग इनसे सेल्फीज़ लेते हैं। वायरल सिंगर बरीना नदीम मेरे साथ मौजूद हैं। बरीना, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे टाइम देती हैं। क्या सुना रही हैं आज, कोई नया गाना वाना आ रहा है आपका? जी, मेरा कल रिलीज़ होना है अभी, कप्तान के टाइगर, तो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। जा वारते हैं ये तो कप्तान के ऊपर, जा वारते हैं ये तो कप्तान के ऊपर, ये कप्तान के टाइगर, ये कप्तान के टाइगर, ये कप्तान के टाइगर, ये कप्तान के टाइगर। चर्चा इनका हर गली हर शहर के अंदर, चर्चा इनका हर गली हर शहर के अंदर, ये कप्तान के टाइगर, ये कप्तान के टाइगर, ये कप्तान के टाइगर, ये कप्तान के टाइगर। वेरी नाइस बरीना, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, एक टाइगर इंग्लैंड में बैठे हैं वीर बहादुर साहब, मियां साहब के लिए भी कुछ गा दें। यार आप मुझे हर इंटरव्यू में उनका कहते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। क्या वजह है इसकी? बस वजह है कोई, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बार बार कहते हैं कि उनका गाना सुनाओ, उनका गाना। जब मैं उनके लेवल के बन के आ जाएंगे ना, मैं सुना दूँ। यानी कप्तान के लेवल के बन के आ जाएंगे, वो मुश्किल है। अच्छा, कुछ नया कप्तान का कुछ गाना, कुछ सॉन्ग, तराना? मैं सुनाऊंगी, तेरे लेते सारी दुनिया, तेरे लेते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे। ओ खान साहब, तेरे लेते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जीते तेरी आई आप मर लांगे, तू जीते तेरी आई आप मर लांगे, तू जीते तेरी आई आप मर लांगे। वेरी नाइस जी, बड़ा जज्बा है माशाल्लाह कप्तान के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसा प्यार मिलता है, आप हमेशा यहाँ आती हैं जमान पार्क में, अब तो लोग आपको पहचानते हैं, कितना अच्छा लगता है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी जब लोग सेल्फीज लेते हैं आपके साथ? जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग इतनी सारी सेल्फीज लेते हैं, और बहुत मज़ा आता है कि एक फेम बन गया ना, तो सब जानते हैं कि यार ये तो वही लड़की आई है जिसका न्यू सॉन्ग आया ये। अच्छा, मैं लोगों को लाती हूँ ना, मतलब अपने वीडियो में, तो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भैया हम आपकी वीडियो में आए थे, हमें बड़ा मज़ा आया आपकी वीडियो सुन के, तो बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो में आके। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि लोग मेरी वीडियो में आते हैं, और इसी तरह मैं लोगों के लिए गाने बनाती रहूँगी। अच्छा, आपकी जो फ्रेंड्स हैं जो आपके स्कूल में पढ़ती हैं, कितना प्राउड फील करती हैं कि बरीना हमारी फ्रेंड है? हाँ, मैं एक अपनी फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगी, मिनाहिल के बारे में। वो इतना, मतलब मेरे से इम्प्रेस होती है कि यार तुम इतनी बड़ी स्टार बन गई हो, और मतलब वो मैंने एक बात हर दफ़ा कही है कि ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं कि वो नवाज़ शरीफ की तरफ हैं, और वो कहती है उन अपनी पार्टी में आ जाओ, वो मुझे हर दफ़ा मैसेज करके कहती है यार मैं तो खान साहब की तरफ हूँ, तुम मेरा क्यों नहीं नाम लेती कि मैं खान साहब की तरफ हूँ। अब तुमने इंटरव्यू दिया ना, तो मेरा नाम लाजमी लेना, तो मैंने इसका नाम ले लिया। क्या नाम है उनका? मिनाहिल। मिनाहिल, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह 12 साल की हैं, तो अभी तो आपका वोट भी नहीं बना, लेकिन कैसे आपको शऊर आ गया कि ये दिस इज़ द राइट वे, मतलब आई मीन के कप्तान ही बिल्कुल ठीक अपने उसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ, उन्होंने कैसे पता लगा, घर वालों ने बताया या कोई न्यूज़ वगैरह देखती हैं आप? न्यूज़ वगैरह भी नहीं, घर वालों ने भी नहीं बताया, बस मैं उनकी मतलब इंसाफ से इंप्रेस हुई ना, वो इंसाफ के साथ चलते हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो इसी मतलब इसीलिए मैं उनसे इम्प्रेस हुई, और मैंने कहा क्यों ना मैं खान साहब की तरफ आऊँ, और मैं एकदम से दीवानी हो गई। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, कप्तान के लिए कोई अनदर सॉन्ग? अनदर सॉन्ग, ओ खान मेरे कप्तान मेरे। जी, ओ खान मेरे कप्तान, मेरे पीछे हटना नहीं डट जाना है, इन चोरों और
के आजाद कराना है। तूने कौम को ऐसा जोड़ दिया, वो जो खौफ कपट था तोड़ दिया, बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू, बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा ब्रीना, आपको पता है आजकल जो खबरें चल रही हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, बैठ जाएं, तो आपको तो खुशी होती होगी ऐसी बातें सुन के कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं कप्तान के आगे। बिल्कुल, मुझे खुशी होती है और इसी तरह वो घुटने टेकते रहें और हम आते रहेंगे। गुड। अच्छा लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज पीटीआई लवर्स के लिए और उसके साथ ये गाना, पहले मैसेज दे दें कैमरे में देख के। मैसेज मैं यही दूंगी कि इसी तरह पीटीआई को सपोर्ट करते रहें ताकि खान साहब आएँ और हम लोग सबका फ्यूचर बचाएं। और सॉन्ग मैं आपको सुना दी 295। कुर्बान हुई कराउड तेरे ते, मैं बोल देने चोर सारे लाउड तेरे ते, वड्डे छोटे दा बस इको ये नारा, कौम नू पराया प्राउड तेरे ते, तू दब गया है ना चोरा वैम पलिया, एन चोरा तू है मुल्क बचाण वाले आ, जो ए वेरे आ एन चोरा नू कसीड दा, नसना लिए ननू ना गेट मिलूगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। ब्रीना बहुत शुक्रिया आपका, आपसे दोबारा फिर इसी जगह पर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपके साथ ब्रीना नदीम की दोबारा मुलाकात करवाएंगे एक नई लोकेशन और एक नए गाने के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे और ब्रीना नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।